हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मंथन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का पीजीडीवीएफ एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम पेपर आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या था, सिमिलैरिटी क्या क्या थी और क्या क्या डिससिमिलैरिटी थी। ये सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिर वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा क्या हो सकता है कट ऑफ, जो सिंडिकेट बैंक का भी पेपर हुआ है और जो कैनरा बैंक का भी पीजीडीवीएफ पेपर हुआ 2018-19 का। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्या रहा एग्ज़ाम में दोनों का मिला करके। सबसे पहले बात कर लें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी सिंडिकेट बैंक का पेपर एग्ज़ाम दिए हैं उनको जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसका पोर्शन जो है वो काफ़ी ईजी लगा होगा, और जो कैनरा बैंक का था वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या कहेंगे, थोड़ा सा बिट कैलकुलेटिव था। जो भी हमारा आपका क्वांट का पोर्शन था वो बिट कैलकुलेटिव था आपका सिंडिकेट बैंक के कंपैरिजन। जो डीआईआई थी, जो डीआई का पोर्शन था वो सिंडिकेट बैंक में काफ़ी ईजी था, और जो सीरीज पार्ट था वो जो है आपका कैनरा बैंक में ईजी था। जो डीआई पोर्शन था कैनरा बैंक में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, दो सिर्फ और सिर्फ दो डीआई पूछा गया था, और सिंडिकेट बैंक में आपका 3 डीआई पूछा गया था। अप्रॉक्सीमेशन का जो लेवल था दोनों एग्जाम में, दोनों के एग्जाम में बराबर था। इनइक्वलिटी भी जो कैनरा बैंक का था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जबकि आपका बात किया जाए सिंडिकेट बैंक का तो वो आसान था। डेटा सफिशेंसी की बात की जाए तो डेटा सफिशेंसी जो है वो सिंडिकेट बैंक में वो ईजी था उसका लेवल, और जो कैनरा बैंक में था डेटा सफिशिएंसी का लेवल वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मिसलिनियस पोर्शन की बात किया जाए अगर, तो मिसलिनियस पोर्शन बहुत ही आसान था। आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर था उससे उठाया हुआ क्वेश्चन था सारा का सारा, वो जो आपका एजेस का क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, इन सारे जो क्वेश्चन आए हुए थे काफ़ी इनका लेवल ईजी था और 1 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जो कैनरा बैंक का लेवल था मिसलिनियस पार्ट का वो काफ़ी अच्छा पूछा गया था, वो जो है कैलकुलेटिव था, उसको करने में टाइम लग रहा था। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग पोर्शन की। रीजनिंग पोर्शन जो था वो कैनरा बैंक की बात किया जाए तो वो जो था काफ़ी कैलकुलेटिव था, काफ़ी आपका पजल भरा हुआ था उसमें। लेकिन सिंडिकेट बैंक की बात की जाए तो सिंडिकेट बैंक में जो पजल थे वो आसान थे इन कंपैरिजन टू कैनरा बैंक। इनइक्वलिटी भी दोनों का लेवल ठीक था, कैनरा बैंक का थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या कहेंगे, मतलब मॉडरेट टाइप का था, सिलॉग्स भी मॉडरेट था। लेकिन जो पजल की बात की जाए, पजल जो था वो सिंडिकेट बैंक में तीन पजल पूछा गया था, और तीन में तो दो पजल एकदम आसानी से लगने वाले थे, सिंगल वेरिएबल था। लेकिन कैनरा बैंक की बात की जाए तो आपका फ्लोर बेस पजल आया हुआ था, आपका लीनियर अरेंजमेंट आया हुआ था, जिसमें कि 6 12 लोग थे, आमने सामने बैठे हुए थे 6 6 लोग, और उनके साथ पैरामीटर दिया हुआ था। सेम का सेम पजल आपका उसमें भी आया हुआ था सिंडिकेट बैंक में। तो दोनों का लेवल जो था, ओवरऑल जो लेवल की बात किया जाए अगर, तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सिंडिकेट बैंक का ईजी था, सिंडिकेट बैंक का वो इजी था। और कैनरा बैंक की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, कैनरा बैंक की अगर बात किया जाए तो वो जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिर बात करते हैं हम लोग डेटा सफिशिएंसी जो आया हुआ था इसमें आपका सिंडिकेट बैंक में, वो थोड़ा सा इजी था इन कंपैरिजन टू आपके कैनरा बैंक के। और मिसलिनियस पार्ट जो था वो भी जो है आपका कैनरा बैंक में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट टाइप का था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे ओवरऑल जो पोर्शन था आपका सिंडिकेट बैंक का और कैनरा बैंक का। सिंडिकेट बैंक का इजी कहेंगे और इसका जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश पोर्शन का। इंग्लिश का जो पोर्शन था वो आपका सिंडिकेट बैंक का थोड़ा सा डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू कैनरा बैंक, और जो कैनरा बैंक का इंग्लिश का पेपर था वो बहुत ही आसान लेवल का पूछा था। मतलब लेवल देखिए, दोनों में RC2 आया हुआ था, इसमें भी RC2 आया हुआ था, इसमें भी RC2 आया हुआ था। एरर जो था इसमें कैनरा बैंक में वो फ्रेजल रिप्लेसमेंट के फॉर्म में था, वो काफ़ी इजी था। क्लोज टेस्ट दोनों में नहीं आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों का थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था, इतना आसान भी नहीं था। दोनों में RC आया हुआ था, RC दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो RC दोनों का आसान था। लेकिन अगर एरर्स की बात किया जाए, ओवरऑल जो एरर्स के क्वेश्चन आते हैं वो कैनरा बैंक में थोड़े आसान थे, जबकि सिंडिकेट बैंक में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट टाइप का था। बात करते हैं जीए पोर्शन की। जीए पोर्शन जो था वो दोनों ही पेपर में, सिंडिकेट और कैनरा दोनों में,
सिंडिकेट और कैनरा दोनों में ये पेपर बिल्कुल कॉमन था, कुछ भी नया नहीं पूछा था इन लोगों ने, जनवरी फरवरी से बिल्कुल नहीं था, पूरा का पूरा ये लोग करंट अफेयर्स बैंकिंग पे फोकस रखे हुए थे और स्टैटिक पोर्शन पे फोकस रखे हुए थे। और जो करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो उतना नहीं था जैसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में हुआ करता था। तो टोटल इन लोगों ने मेन फोकस जो रखा है वो बैंकिंग पर रखा है और स्टैटिक पर रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आगे जितने भी एग्जाम्स होने हैं आपके, तो आप अपना बैंकिंग और स्टैटिक पोर्शन को पहले से ही कवर करके रखे रहिए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स रिविज़न करना रह जाए आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपका SBI होने वाला है और RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और भी कई सारे एग्जाम्स आपके लाइनअप हो सकते हैं अगले फ्यू मंथ्स में। तो ओवरऑल बात किया जाए सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के जनरल अवेयरनेस पोर्शन की, तो ये जो है आपका लेवल बहुत सेम था। अब बात कर लेते हैं हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है सिंडिकेट बैंक का और कैनरा बैंक का। देखिए कैनरा बैंक में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 450 है, और आपका सिंडिकेट बैंक में जो वैकेंसीज है ये आपका 500 है। लेकिन ओवरऑल जब बात बात करते हैं हम लोग पेपर का, तो पेपर जो है हमारा थोड़ा सा आसान आया था इन कंपैरिजन टू कैनरा बैंक सिंडिकेट का। तो यहाँ पे जनरल कट ऑफ जो जा सकती है 105 जा सकती है आउट ऑफ 200, OBC का कट ऑफ जा सकता है 102 आउट ऑफ 200, SC का जा सकता है 95, ST का जा सकता है 90 आउट ऑफ 200। वही बात करते हैं अगर हम लोग कैनरा बैंक का, तो कैनरा बैंक का पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, हल्का सा डिफिकल्ट लगा, डिफिकल्ट क्या मॉडरेट टाइप का था पेपर। तो उसका कट ऑफ का अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 100 जा सकता है आउट ऑफ 200, OBC का कट ऑफ जा सकता है 98 आउट ऑफ 200, और ये जो SC का कट ऑफ बात करें तो 95 जा सकता है आउट ऑफ 200, ST की बात करें तो वो 90 जा सकता है। फ्रेंड्स ये मैंने एक एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो है अभी कट ऑफ ये प्रेडिक्ट किया है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ तो IBPS वाले देंगे ही। तो ये जो है कट ऑफ ++3 और -3 ऐसा लेकर के चल सकते हैं कि इतना जो भी 120 के आसपास जिनका अटेम्प्ट है और जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है वो पक्का इन होंगे इसमें कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक में दोनों में, या फिर जिन्होंने भी 115 भी अटेम्प्ट किया हुआ है और उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो पक्का वो इन हो रहे हैं, वो इंटरव्यू के लिए अपना गैरअप कर ले अपने आप को, वो पक्का इन होंगे और इंटरव्यू के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।